चलिए दोस्तों, तो फाइनली हम उसी दानापुर आ चुके हैं जिस दानापुर के नाम में से ना ही गया है। चलिए कोई नहीं, चलिए यहाँ पर मैं ये फ्रंट साइड का ये कुछ व्यू है और मैं आप लोगों को जो अंदर से भी मैं पूरी जो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, जो भी चीज़ें होगी जो यूनिक होगी जो कि आप अभी तक कोई नहीं दिखाया होगा। तो चलिए तो चलते हैं और आगे आप। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से एंट्री कर चुका और यहाँ से टिकट घर है और इसी के टिकट घर के अंदर से हम लोग जो एंट्री करने वाले हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। और ये दोस्तों वेटिंग रूम है, अगर आप लोग का ट्रेन वगैरह अगर लेट है तो अगर आप लोग यहाँ पर इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी इधर से जो है टिकट घर है और यहाँ पर चार टिकट जो है काउंटर हैं, अपना जो है तो यहाँ से टिकट ले सकते हैं। और अगर आप लोग का ट्रेन लेट है तो आप यहाँ से अपना वेटिंग हॉल है, यहाँ से आप वेटिंग कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को बाहर से जाता हूँ और दूसरा व्यू दिखाता हूँ। ये दोस्तों यहाँ से एक मेन गेट है और यहीं से एंट्री का मेन गेट है, तो चलिए इसके अंदर और यहाँ का आप कुछ व्यू देख पा रहे होंगे, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और आप लोग का और भी जो चीज़ें हैं वो दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये दोस्तों डिस्प्ले है जहाँ पर आपका अपना ट्रेन वगैरह का जो भी शेड्यूल है वो देख सकते हैं। और ये दोस्तों प्लेटफॉर्म 1 है और प्लेटफॉर्म यहीं से 1 की तरफ जाने वाला है, यहाँ इंक्वायरी जो है। और चलिए यहाँ पर चलते हैं और प्लेटफॉर्म 1 पे चलते हैं और वहीं पर मैं आप लोग को जो भी व्यू है वो दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो फाइनली जो हम यहाँ दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और ये दोस्तों ओवरब्रिज रहा जो कि उतना तो अच्छा नहीं है, बाकी ठीक है। यहाँ पर 2 ओवरब्रिजे दी गई है, बाकी इधर जो अभी ट्रेन वगैरह आई है तो यहाँ पर ये थोड़ी क्राउड है और ये कोई खास क्राउड नहीं अगर पटना जंक्शन का कंपेयर करें तो। चलिए आगे चलते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो मैं आप लोग को दिखाने का कोशिश करता हूँ।